हाय गाइस एंड वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको कब से बोला है कि वीडियो आएगी एंड फाइनली आज आई गई है, जो कि है हमारी चिया का रूम टूर, उसकी नर्सरी का टूर, जहाँ पे ये इतना रहती नहीं है क्योंकि हमारे ये पूरे घर में रहती है फिलहाल, तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए। इसकी चीजें हर जगह है, लेकिन एक होता है डेडिकेटेड एरिया, इसकी चेंजिंग टेबल, इसकी अलमारी, सब कुछ वो है यहाँ पर। और इसको हमने बहुत ही प्यार से तैयार किया है, दिल से मैं बोलूंगी, क्योंकि पहले भानु का ऑफिस होता था। यप, इसने आके टेक ओवर कर लिया एंड भानु को और बड़ा रूम मिल चुका है, साथ वाला है जो कि बनेगा बहुत सुन। तो इस रूम को हमने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे हमने शुरू किया था, एंड के वक्त पे, तो वॉल से लेके सब कुछ हमने बहुत ही सब कुछ चेंज कर दिया। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड स्टार्ट द नर्सरी टूर। आपको ये दिखती है ये वाली वॉल, तो सबसे मैसिव जो चेंज है वॉल में ये था कि एकदम प्लेन वॉल थी, तो हम लोगों ने ये खुद पैनलिंग करी लिटरली, और मैंने अपने व्लॉग्स में भी शेयर किया था। तो थैंक्स टू, बिग शाउट आउट टू आशमा मूवी जिन्होंने हमें सिखाई कैसे करते हैं। एंड आई थिंक ड्यूरिंग नाइन्थ मंथ के एंड वाले वीक्स पर हमने शुरू किया था, थोड़ा सा नाइटमेयर हो गया था एंड में, इतना घर में ऐसे तूफान आ गया था, बट जो ये टैलेंट सीखा है, और ये थैंक्स, बिग थैंक्स टू भानु। दोनों इस चीज में, तो आप ये देख सकते हो पूरी जो पैनलिंग करी है ये हम लोगों ने खुद करी है, खुद करी है। प्राउड ऑफ दैट एंड थैंक्स टू भानु। जब ये चिया बड़ी होगी मैं उसको बताऊंगी कि बेटा आपके पापा ने ये करा था, हमने तो बिट्स एंड बॉब ही करा है, मेन तो जो करा वो भानु ने करा है। पैनलिंग लिटरली पूरी वॉल्स पे है, आई थिंक इससे काफी ज्यादा ग्रेस आती है। व्लॉग जो वीडियो हमने सुबह शुरू करी थी, बट अब रात होगी बनाते बनाते, क्योंकि चिया हमारी थोड़ी सी फैल गई थी, पर हम शिद्दत के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, मूव करते हैं प्रॉपर, अब दिखाते हैं आपको, टूर देते हैं, जो की है ये वाली साइड। सो दिस इज हर कॉट एरिया, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है। मैं आपको हर एक चीज की डिटेल देती हूँ, कहाँ से हमने क्या क्या चीजें मंगवाई हैं। जितना भी आप फर्नीचर देखोगे चिया की नर्सरी में, दिस इज वेरी थैंकफुल टू मामाज एंड पापाज फॉर स्पॉन्सरिंग हर नर्सरी। तो मामाज एंड पापाज करके ब्रांड है, आई एम श्योर काफी लोगों को बहुत अच्छे से बताओ, बहुत ही वेल नोन ब्रांड है इंडिया में, आई थिंक अभी नहीं है बट होपफुली सून। तो I'm very thankful to them for sponsoring, first of all, and it's a pleasure to work with them because they have given me creative liberty to choose whatever I want. This is jo bhi maza aata hai brands ke saath kaam karne mein, and we always wanted something like this because alag alag range ki alag alag specifications hai. I wanted something with the draw, I wanted something with white or off-white color ka. You know, wali cheez jaise aapko pasand hai, main aapko dikhaungi iski changing table bhi. This range is called Mia MIA and isme jo cot hai ye 0 to 4 years tak chal sakti hai bahut aaram se. Jo iska jo ye mattress hai, ye age ke hisab se aap isko niche upar kar sakte ho, level pure attachments ke sath aata hai. Most importantly jo mujhe sabse achhi lagi wo ye hai ki isme niche bhi storage hai. So I'm gonna obviously use it effectively in the future. अभी तो मैंने अभी जितना मेरे पास आइटम भी चीजें कम है जिया की है, तो इसकी एक्स्ट्रा बेडशीट रखी हुई है, ऑलेट के मैंने कैमरा का बॉक्स रखा हुआ है। अगेन शाउट आउट टू ऑलेट, मैं इस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी बाद में इंस्टाग्राम पे। इट्स अगेन प्लेजर वर्किंग विद देम, इट्स एन अमेजिंग क्वालिटी कैमरा, प्लस इट कम्स विद अ सॉक, तो ये आप सॉक्स पे रख के अपने बच्चे का टेम्परेचर और बाकी सब चीजें भी मॉनिटर कर सकते हो। एंड साथ में पीछे तो खैर उसकी बिन्स के रिफिल्स पड़े हैं, यहाँ पे उसके एक्स्ट्रा नैपीज पड़ी है, तो आई एम श्योर ये फ्यूचर में मैं इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकती हूँ, क्योंकि जितनी स्टोरेज हो गई उतनी ही कम होती है। एंड अब मैं बात करती हूँ धीरे धीरे सारी एक्सेसरीज की। सो मैट्रेस बेड शीट अगेन फ्रॉम मामाज एंड पापाज, ये है उसका कॉट मोबाइल, दिस इज अगेन फ्रॉम मामाज एंड पापाज। तो ये कॉट जो है अभी तो हम फिलहाल चिया इसमें नहीं सोती है कि वो सो जाए ऐसे, हम उसको बेड साइड क्रिब में सुलाते हैं, बिकॉज बहुत छोटी है वो, लेकिन जैसे हम उसको चेंज कर रहे होते हैं, हमें पानी लेके आना होता है या फिर कुछ भी हैंड वॉश करने होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, अपना वो खेलती रहती है, इसको देखती रहती है, बहुत खुश होती है, तो अपना मी टाइम इसमें एंजॉय करती है, बट अभी सोती नहीं है वो क्योंकि हम इसे सुलाते ही नहीं अभी। होपफुली नेक्स्ट ईयर से देखेंगे धीरे 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 धीरे। नर्सरी की जो आप थीम अभी तक से आप सेंस कर चुके होंगे, इट्स मोस्टली लाइक व्हाइट एंड बेबी पिंक कलर,
एंड ग्रेज ऐसी थीम है. सो आपको वही कलर कोऑर्डिनेशन हर जगह मिलेगी. दिस कॉट मोबाइल इज ऑल्सो गिविंग अ यू नो वेरी नाइस ह्यू ऑफ ग्रे इनटू द नर्सरी. Anyway, moving on to next. So this pillow, this cushion is again from Mamas and Papas. Mamas and Papas. ये कॉट मोबाइल Mamas and Papas से है. वो इसकी ब्लैंकेट भी Mamas and Papas की है. Okay, अब मैं आती हूँ वॉल पे. तो वॉल तो मैंने आपको बता दिया, हमने ये अपनी पैनलिंग करी है. ये जितने भी आप एक्सेसरीज देख रहे हो क्लाउड्स की, तो बेसिकली ये इसके पीछे एक बैटरी लगती है, तो इसको आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो. तो ये सेट आता है दो बड़े क्लाउड्स का मैंने और 3 स्मॉल का, वो नॉन लाइट वाले हैं. तो जनरली हम जैसे पूरे घर की अगर हम सोते हैं रात को, तो हम ऐसे खाली ये लाइट्स क्लाउड की जलती रहे तो अच्छा वो एक रहता है, एम्बियंस भी रहता है थोड़ा सा. रात को उठना चिया के साथ तो यू नो प्रॉपर सही लगता है, लुक्स प्रिटी एज वेल. क्लाउड्स दीज आर फ्रॉम एटसी. सो एटसी से मैंने काफी ज्यादा शॉपिंग करी है. चिया की जितनी भी एक्सेसरीज है, जो डेकोरेशन की जो चीजें आपको बता दी रहूंगी, सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. मुझे इंडिविजुअल स्टोर के नाम तो ऐसे याद नहीं है, तो मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो ये क्लाउड्स बहुत प्रिटी है. जो इसकी वॉल्स का जो थीम मैंने दिया हुआ, बेसिकली क्लाउड रेनबो हार्ट्स बटरफ्लाई स्काई वाला ऐसे थीम सा दिया हुआ है. तो आई थिंक इट ऑल केम टुगेदर वेरी वेल. आपको दिखाती हूँ. चिया का जो नाम है ऑफिशियल नेम एलेना. तो इसका जो हमने ये है, ये बहुत ही लाइट से है. गोल्डन मिरर इसका नाम था आई थिंक जो इसका कलर था. एंड ये भी मैंने अगेन एटसी से मंगवाया है. अगेन डिटेल्स इन द कैप्शन. बहुत इजी थे ये. तो बेसिकली ये एक एडहेसिव के साथ आए थे, आपने हमने पील किया था, देन जस्ट अपने हिसाब से लाइन करके पेस्ट कर दिया. सेम विद दीज 3 एज वेल. उन दोनों को हमने लिटरली कील से लाइक वी हैव यूज अ नेल देयर टू हुक देम अप वहां पर. एंड या दिस सम्स अप दिस वॉल. नेक्स्ट इज दिस कैनोपी. ये कैनोपी भी मंगवाई मैंने एटसी से. बहुत ही हेल्पफुल स्टोर ओनर है. आई थिंक हर नेम इज सैम. तो अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. क्योंकि पहले ये जो है मेरी हुक्स रह गए थे, देन शी सेंडेड, देन मुझे मिले नहीं. दोबारा से शी सेंट देम तो मुझे मिल गए थे. तो शी वॉज वेरी हेल्पफुल, वेरी इंस्टेंट इन रिप्लाई. तो आप वहाँ पे मैसेज पे ना मैसेज पे बात भी कर सकते हो. सो दिस आई ऑर्डर, आई थिंक दिस वॉज इन द पाउडर पिंक कलर. डस्टी पिंक और पाउडर पिंक. लिंक देख लेंगे. हाँ लिंक देख लेना. तो ये बहुत ईजी था हैंग करना हुक. अभी थोड़ा सा मैं उसको ऐसे कवर करना उस तरफ. तो ये हुक आता है, आप ड्रिल करते हो, हुक जाएगा अंदर, वैसे खुल जाता है. तो वो अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है. एंड साथ में पॉम पॉम्स और एक गार्लैंड भी आई थी. गार्लैंड नहीं लगाई मैंने, गार्लैंड बाहर पड़ी हुई है, बट इट्स फाइन. आई गोल्डन क्राउन मंगवाया मैंने चिया के लिए. तो अभी तो चिया छोटी है, मैं देखूंगा ऑब्वियसली सेफ्टी वाइज भी. अगर चिया जब थोड़ी सी बड़ी होगी, हाथ पैर चलाना शुरू कर देंगे, लगेगा ज्यादा खींच रही है इस चीज को, तो देखेंगे. अभी तो वो यूज ही नहीं करती यार कॉट को. तो शायद मैं हटा के बाद में इसको लगाऊंगी, थोड़ी सी वो बड़ी हो जाएगी. जो है देखने में बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लुक दे रही है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से मुझे देखना. तो या तो फिर मैं यहाँ टांग दूंगी, या फिर जब उसका रूम शिफ्ट, आई डोंट नो, लेट्स सी. बट आई एम डेफिनेटली गोना यूज दिस. बट उसका भी जैसे वो वाला फेज आएगा ना खींचने वाली चीजों का, थोड़ा सा वो बड़ी होगी, स्ट्रांग होगी अभी कमिंग मंथ्स में. मैं देखूंगी, तो अदरवाइज इसको यहाँ से हटा देंगे, पीछे कर दूंगी. Yep. We'll figure that out. But it's very pretty, very beautiful and very princessy look to the room. And काफी Pinterest की images में ऐसी canopies use होती है, आपको दिखेगी. तो मेरा तो भाई starting से इसलिए दिल आया होता है canopy पे. This is the wall which you first see once you like enter. इस wall के साथ this is like a shelf, hanging shelf. ये मैंने order किया था खुद. This is from the brand called obaby.co.uk. क्लियरली डिटेल्स दी उन लोगों ने. ब्रांडिंग की मतलब कमी नहीं छोड़ी इन्होंने. छोड़ी .co.uk भी है. बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. प्रॉपरली इसको हमने अच्छे से ड्रिल करा के अच्छे से हैंग करवाया है हैंडीमैन से. एंड ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे ये. तो मैंने तो इसकी वाली ड्रेस हैंग करी जो मुझे बहुत प्यारी लगती है. प्रीति ने गिफ्ट करी थी चिया को. एंड इसी ड्रेस में वी डिड हर फेस रिवील वाला वीडियो. अपेरेंटली हमने उसको ये ड्रेस पहनाई. वैसे तो उसको आ जाती है, उसकी थाइज याद होती है, चोट की मिनी ड्रेस बन गई, लाइक इतनी ऊपर इसका टॉप लग रहा था. अगर चिया बड़ी हो रही है यार, मतलब कहाँ जा रहा है टाइम. आराम से धीरे धीरे जल्दी बड़ा नहीं हो रहा, आराम आराम से होना है. बट दिस ड्रेस इज वेरी स्पेशल टू मी. तो मैंने ऐसे हैंग करी हुई जैसे टच के लिए. एंड कुछ नहीं, बस यहाँ पे यार वो बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए मैंने, जो इसके बेबी शावर या उसके जब व्हेन शी वाज बॉर्न, तो एज अ काफी सारे लोग मिलने आए थे, फ्रेंड्स वगैरह. तो वो सारे कार्ड्स अभी मैंने यहाँ रखे हुए हैं. And again, this doll, I think this was gifted by Preeti, if I'm not wrong. Yep. Next ki hai shayad ye, mujhe bhi sure nahi hai kahan se hai. And ye jo hai, aap dekh sakte ho, maine Chia ke naam wala bhi ek swansea mangwai thi. So it's like this, ye alag alag parts mein hai. To ye maine jab main pregnant thi, maine tabhi order kar di thi Etsy mein, like
जून जुलाई में, तो ये एटसी से अगेन, तो आप इस पे अपना कस्टमाइज करा सकते हो। ये मैंने इसे शूज रखे हुए हैं, पीछे उसकी बुक है और एक बनी है। आई थिंक ये प्रीति ने दिया था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, या फिर दोनों प्रीति ने दिया। कमेंट करके बता दो आपने क्या दिया था। हो रहे हैं क्योंकि मैंने भी शायद एक डॉल, अच्छा मैंने ये वाली डॉल ली थी उसके, नाउ आई गेट इट। तो ये भी ऐसे छोटे से टॉय है, एक एलिफेंट रखा हुआ है यहाँ पे, तो फ्यूचर में उसकी मैं बुक्स रख सकती हूँ यहाँ पर, देखेंगे। अभी तो बहुत छोटी सी है यार, अभी तो मतलब जैसे मुझे जो सामान था मैंने बस लगाया हुआ, तो यू कैन डिस्प्ले हाउएवर यू वांट, यू कैन हैंग मल्टीपल थिंग्स हियर। ये रहा हमारा स्विच जहाँ पे हमने खुशबू वाला डिफ्यूजर लगाया हुआ है, बिकॉज जब आप नैपी चेंज करते हो तो आप समझ सकते हो ये रूम है, महक जाता है हमारे चिया के प्रशांत। Exactly, so that's for keeping it fragrant. Next is this सेक्शन। तो पहले यहाँ पे सिर्फ ब्लाइंड्स थे जो भानु के ऑफिस की थीम के साथ बहुत अच्छे से जाते थे, बट आई थिंक फॉर नर्सरी आई थिंक कर्टन्स लुक रियली रियली प्रिटी। ब्लाइंड्स भी कर सकते हो आप, वो बच्चों वाले प्रिंट्स वाले भी आते हैं, तो इंस्टेड वी डिसाइडेड टू गो फॉर लाइक अ गोल्डन रॉड हियर। तो गोल्डन, व्हाइट, ग्रे एंड पिंक, ये तीन, ये यहाँ गोल्डन भी कलर का थीम है चिया की नर्सरी का। तो गोल्डन रॉड है ऊपर, एंड ये जो रॉड है ये हमने ली है डनम से ली थी, एंड ये जो कर्टन है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, ये है नेक्स्ट से, हमने डनम से भी पिंक कर्टन ऑर्डर करे थे, बट दी स्टफ वाज अ लिटिल बिट तरपाल आ गया था, तरपाल आ गया था, टेंट मैन लाइक बहुत ही अजीब सा वो स्टफ आ गया था, तो वो रिटर्न करे। सो दीज आर फ्रॉम नेक्स्ट, मुझे लिंक मिला तो मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। एंड ये बहुत ही क्यूट से गाइस, ये देखो आप, ये है कर्टन के जो वो होल्डर टाइप्स होते हैं। एक्चुअली हमने डनम से एक और भी लिया था, वो रस्सियों रोप वाला है ना, बट आई थिंक दिस इज मोर क्यूट, दिस इज लाइक सो क्यूट। तो ये पेयर में आई थी, ये दो डॉल्स है यूनिकॉर्न वाली, एंड ये भी अगेन मैंने एटसी से ऑर्डर करी थी, एंड अभी तो विंडो पे मैंने ऐसे रखा हुआ है। अगेन प्रीति दुबई से लाई थी, तो आई थिंक प्रीति ने काफी सारी चीजें, प्रीति कपड़े में किसान प्रीति ने दिए हुए हैं। तो दिस इज हाउ दिस वॉल इज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वॉल। तो वॉल पे पहले मैं वॉल का बता देती हूँ आपको, तो अगेन जो भी आप ये डेकोरेशन देख रहे हो ये सारी दोबारा कहाँ से है, Etsy से क्या Etsy बात है, Etsy ने ये स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन आपके दोस्त यू नो होता है ना कोई जो स्पॉन्सर करे उनको थैंक यू सो मच, जिन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया उनको हम बिजनेस देंगे ऐसे कैसे। बट ये जनरली Etsy से बहुत अच्छी चीजें मिलती है, Etsy और Amazon से भी मैंने चीजें मंगाई है इसकी, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन Amazon से मैंने क्या मंगवाया पता नहीं, Amazon से मैंने इसके हेडबैंड मंगवाए थे, ऐसा नहीं हो सकता। तो लेकिन Etsy पे ना काफी अच्छी, तो थोड़ी सी मुझे लगता है हल्की सी प्राइसी होती है, तो अगर आपको सिमिलर चीज Amazon से मिल जाए तो गो फॉर इट, ठीक है। Amazon से हमने ये मंगवाया था, इसका जो लैम्प शेड भी आप देख सकते हो, ग्रे एंड पिंक थीम में ऐसे स्टार्स बने आते हैं, और देखती रहती हूँ बहुत खुश होती है इसको देख के। सो दिस इज फ्रॉम Amazon, मुझे आ रहा है, ठीक है। ये दो बटरफ्लाइज है कर्टन के कलर से मैच करते हुए, ये डबल टेप से लगाई है मैंने वॉल पे लिटरली। तो अगेन दिस इज फ्रॉम Etsy। वैसे मेरे पास मैंने ना वो भी फ्रेम्स भी मंगवाए थे, खाली प्रिंट्स आए थे, बट उनको फ्रेम करवाना मुझे मिले नहीं रहे कहाँ पर है, बट मे बी लेट। बट आई थिंक दिस इज लुकिंग प्रीटियर, वेरी नाइस एंड क्लीन। इन एन आइडियल वर्ल्ड, अगर आप जैसे स्पेस पूरा खाली है तो मैं यहाँ पे इसका प्ले जिम रख देती हूँ कभी कभी, या दूसरे रूम में, डिपेंड करता है कि कोई मसाज के लिए आप ना एकदम सनलाइट आती है इस एरिया में, तो मसाज के लिए यूज कर लेते हैं, या फिर नर्सिंग चेयर भी रख सकते थे, बट वो फेज मेरा चला गया अभी फिलहाल। तो अभी ये एरिया खाली है, ठीक है। एंड ये वाली वॉल पे भी स्टिकर्स है, अभी आप देख रहे होंगे क्लिप्स कि हमने कैसे स्टिकर्स लगाए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा थेरेप्यूटिक था भाई ये स्टिकर्स लगा, सही है, मजा आ गया था ना, मैं और भानु लगे थे चिया हमारी बैठ के देख रही थी हमें। सो रेनबो है ये, हमने एक एक स्टिकर खुद हाथ से लगाया, तो बेसिकली आप इसको ऐसे रब करते हो कार्ड से या हाथ से, देन वो उसको पील करते हो, वॉल पे लगाते हो दोबारा रब करते हो, देन पील करते हो, चिपक जाते हैं। आई थिंक दीज आर कॉल्ड डीकैल्स, I think you can use them on your laptop as well. Yeah, जो laptop skins वगैरह आती है, it's the same stuff, but they stick on wall. But it looks like paint, but it's actually not. Stickers and proper, yeah. बहुत ही pretty हैं। सब चिया यहाँ पे, अब ये ना चिया की happy place है, changing table. Happy place. वो इतना खुश होता है, because वो एक तो पूरा late पाती है इसपे, and she can, she's very close to us. और full late होती है, वो इतना हँसती है, इतना खेलती है. This is a changing table. आप तो यहाँ पे देख के बहुत हंसती है ना, ये और वो लाइट, उसको तो ऊपर का व्यू दिखता है ना, तो इसको मैं हैप्पी टेबल बोलता हूँ। यस, दिस इज आवर हैप्पी टेबल। तो अभी तो मैंने यहाँ पे बस ऐसे ब्लैंकेट रखी है, कैन कीप अ टॉवल और समथिंग हियर, व्हाटएवर यू वांट टू डू, दिस इज अगेन फ्रॉम मामाज एंड पापाज, मामाज एंड पापाज, दिस मैट इज फ्रॉम मामाज एंड पापाज, एवरीथिंग फ्रॉम मामाज एंड पापाज। एंड ये बहुत ही यूजफुल है भाई, इसमें ड्रॉज है,
तो यहाँ पर तो हमने डायपर्स रखे हुए हैं, उसकी एक्सेसरीज, या मुझे ना प्लीज कमेंट में बताना मैं कैसे उसके हेडबैंड्स को अच्छे से डिस्प्ले कर सकती हूँ, कोई भी अच्छा डिस्प्ले आपको मिलता है तो। मैंने ये ऐसे डिफरेंट स्कब्स जो ऐसे ऑर्गेनाइजर होते हैं नीचे भी है उसके, तो उसमें मैंने इसकी ये टोपियां रखी हुई, कैप्स। गाइस दिस इज द फर्स्ट पीस ऑफ क्लोथिंग फॉर चिया। तो जब चिया पैदा होती है तो हॉस्पिटल वालों को ना कोई टाइप होता है एनजीओ के साथ, जहाँ पे उनको निट करके लाइक ओल्ड लेडीज जो बता रही थी जितना मुझे याद है, तो वो उनको कैप्स प्रोवाइड करते हैं छोटे बच्चों के लिए जैसे वो पैदा होते हैं, क्योंकि वैसे तो टावल में होते हैं लेकिन कैप्स वो खुद प्रोवाइड करते हैं। तो चिया को उन्होंने ये वाली येलो और पिंक ये वाली कैप पहनाई थी। तो दिस इज वेरी स्पेशल, दिस इज द मोस्ट स्पेशल थिंग, स्मेल्स लाइक चिया। नेक्स्ट ड्रॉअर में मैंने उसकी स्लीप सूट्स रखे हुए हैं, बिब्स रखे हुए हैं, लेगिंग्स एंड पजामियां रखी हुई हैं, पजामियां एंड उसकी निकर्स। जब उसका कभी कभी मैं उसका डायपर फ्री टाइम कराती हूँ तो उसको ऐसी निकर्स बना देती हूँ। ये इसकी टी शर्ट्स और बॉडी सूट्स हैं, अभी और भी है वॉशिंग के लिए गए, मैंने काफी अभी सॉर्ट आउट करे। प्लीज आप ये मत सोचना कि वाओ इतना साफ सुथरा पड़ा है, नहीं मैंने वीडियो के लिए साफ करा है। आप ही की तरह हूँ, न्यू मॉम हूँ, चीजें फैलती है, बट काफी मैंने एक्चुअली सॉर्ट आउट किया क्योंकि इसको ना न्यूबॉर्न वाले बहुत छोटे हो गए, इसको बिल्कुल नहीं आते हो। तो कुछ तो मैं डेफिनेटली रखूंगी बहुत सारे इसके कपड़े एज अ मेमोरी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने हमारे कपड़े संभाल के रखे हुए थे जो हमने फर्स्ट पहने थे। मुझे पता है पुन्नू की ब्लू कलर का शायद कुछ होता था जो पापा हमेशा अपने साथ रखते थे, चिया पीछे आ गई वो भी हंस रही है। बाकी मैं देखती हूँ कुछ जो मैं डोनेशन के लिए, अभी तो नहीं बाद में देखेंगे आराम से इंडिया से आकर, क्योंकि काफी सारे कपड़े हैं जो भाई गिफ्ट्स में इतने आते हैं बच्चों के कपड़े, तो मैं खुद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतने सारे गिफ्ट्स आए थे ना चिया के, तो कपड़े है ना चिया, हाँ चिया, है ना चिया, हाँ ना चिया। एंड नीचे अभी मैंने इसकी सिर्फ वो रखी हुई है ब्लैंकेट्स, मसलिन क्लॉथ, इसके स्वाडल क्लोथ्स जो है, अभी तो खैर हम इसको स्वाडल नहीं करते हैं, अब शी डजंट नीड इट। दिस इज चियाज वार्डरोब, ये जो है अगेन छोटा सा ऐसे, कहाँ से आ रहा गाइस बता दो, तो ये वार्डरोब है, तो वार्डरोब खुलते ही इसमें दो सेक्शंस है कुछ हिला, तो यहाँ पे सारे हैंगर्स हैं और नीचे ड्रॉर हैं। तो मैं फ्यूचर में यहाँ पे कुछ लगवाना चाहूंगी बोर्ड, ताकि इसके कपड़े बढ़ेंगे अब धीरे धीरे, शेल्फ्स वगैरह बन जाए। और तो साथ वाले रूम में जो अलमारी वो खाली रहती है, तो मैं वहाँ पे भी इसके कपड़े रख सकती हूँ, बट अगर मेरे पास चॉइस हुआ तो मैं यहाँ पे जरूर एक कुछ शेल्फ लगाऊंगी। और हाँ गाइस एक और चीज, ये जो इसकी जो कॉट है ना, ये एक स्ले डिजाइन है, स्ले डिजाइन बहुत चल रहा है। ये स्ले डिजाइन को देखते देखते मैंने ये वाला स्ले डिजाइन भी ऑर्डर किया था, बिकॉज आई रियली लाइक इट। कमिंग बैक टू द वार्डरोब, इसकी सारी फ्रॉक्स ऊपर है, लहंगा, इसका प्रैम सूट, बहुत सारी फ्रॉक्स है कुछ, आई थिंक एक दो इसको अब छोटी होना शुरू हो गई होगी। काफी सारी गिफ्टेड है, मैंने आई थिंक आईटी मैंने बहुत कम कपड़े इसलिए खरीदे हैं, स्लीप सूट्स वगैरह ज्यादा लिए है ना, क्योंकि इतने सारे प्यारे प्यारे चिया की मासियां हैं जो कि हमें इतने सारे गिफ्ट दिए है। नीचे भी मैंने अभी रैंडम सामान रखा हुआ, जो सांता क्लॉस का पिक्चर है, इसके ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैश कार्ड, ये छोटा सा पर्स है चिया का, मैं नया लेकर आई हुई, फोटोशूट करेंगे इसके साथ, एंड इसके कपड़े जो न्यूबॉर्न वाले जो मैंने संभाल के रखने हैं। नीचे ड्रॉअर में है हमारी चिया के टॉयज और चिया की लाइक कैल्पॉल और वो टीथिंग पाउडर्स, अभी इसको इतनी जरूरत नहीं है, मेरे को लगा था बीच में इसको शायद जरूरत पड़ रही थी। नेल बफिंग एंड एवरीथिंग, बूगी बियर फॉर बूगर्स, नेल बफिंग, टीथर्स एंड थोड़े एक्स्ट्रा और भी कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। तो गाइस ये है हमारी चिया की प्यारी सी छोटी सी नर्सी, चिया भी उठ गई हमारी नीनी से, आशे बनाई है आपके लिए एक चीज बनाई है आशे, है ना बेटा, चिया अग्री हैप्पी बेबी, हू इज द हैप्पी बेबी, यू माय हैप्पी बेबी। तो आई होप किसी ना किसी के लिए तो यूजफुल होगी, नहीं तो फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझसे प्लीज पूछते रहना नीचे कॉमेंट्स में, मुझे प्लीज बताना इसके बैंड्स कैसे स्टोर करूं, मुझे जेन्युइनली हेल्प चाहिए। इतने सारे बैंड्स अभी तो और आते ही जाएंगे, मुझे लगता है इससे बड़ी हुई। एंड तो यही था नर्सरी टूर, मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, और क्या की पप्पी ले लो गाइस।